अगर आपको अन करना होता है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिए मैं आपको पहले ही बोल रही हूँ आइए और वीडियो देखकर चले जाइए कोई ज़रूरी नहीं है सब्सक्राइब करना अगर अन करना है तो हेलो जी नमस्ते आदाब सतरियाकाल सलाम होप कि आप सब और मेरा यूट्यूब परिवार सब ठीक होंगे स्वस्थ होंगे मस्त होंगे और मज़े में होंगे और खूब अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे तो मैं परविंदर आपका अपने यूट्यूब चैनल पर और, और अपने इस न्यू व्लॉग में आप सभी का दिल से अभिनंदन करती हूँ <laughs> तो आप अगर आप भी मेरे YouTube परिवार का हिस्सा बनना चाहते हो सदस्य बनना चाहते हो तो मेरे YouTube परि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस और फिर आप बन जाएंगे मेरे YouTube परिवार का एक खूबसूरत सा प्यारा सा हिस्सा तो भाई टाइम हो चुका है साढ़े ग्यारह का और अब आप सभी के साथ और साढ़े ग्यारह बजे के साथ तो लगते हैं अपने काम ख़त्म करने में आज लेट हो गई हूँ तो मौसम तो ठीक है धूप आ गई है पर मौसम में थोड़ी सी ठंड है कपड़े धोने हैं बाहर बैठ के धूप में आराम से फिर धोएंगे भाई कपड़े तो पहले किचन का काम ख़त्म कर देते हैं किचन का काम है ना जो किचन में सबसे ज़्यादा काम बिखरा पड़ा रहता है तो सबसे पहले किचन को करेंगे साफ इनके जाने के बाद ना ईशांत को और उनको भेजने के बाद ना मैं फिर से बैठ गई थी बैठ गई थी क्या वैसे ही बस फोन देखने लगी थी तो फिर करते हैं भाई ये अपने काम शुरू चलो भाई तो फिर कर देते हैं अपने काम शुरू काम शुरू सबसे पहले तो मैंने गर्म पानी चला दिया भाई वॉशरूम में तो गर्म पानी हो जाएगा तो वो कपड़े भी के रख के ना फिर किचन वाला काम करूँगी क्योंकि तब तक वो जो कपड़े सेट हो जाएंगे भाई तो फटाफट धोए फट जाएंगे गर्म पानी से और बाहर धूप में बैठ के धोएंगे चलो फिर लग जाती हूँ अपने काम में तो नहीं और ज़्यादा लेट हो जाऊँगी क्योंकि पहले से ही बहुत लेट हो चुकी हूँ आज और मार्केट कल घूम के आ गए थे भाई कपड़े धो दिए हैं अब देखते हैं अंदर का काम अंदर वाला काम करते हैं अभी किचन का यह बन गए जी नमकीन चावल मेरे और ईशांत की ये क्या कर रखे हाथ पे ये क्या कुछ नहीं बिच्छू मान जा तू भाई ईशांत ने बोला था नमकीन चावल तो नमकीन चावल बन चुके हैं हमारे आए और आप भी खाएं हमारे साथ नमकीन चावल मटर वाले ईशांत मक्खन डाल लो और इसमें दही भी फ्रिज में से दही भी निकाल लो ना दही मेरे लिए नहीं ना लियो मक्खन डाल ये देखिए जी कपड़े हवा में गिर चुके हैं हवा चल रही है हवा चल गई है भाई पूरी हवा चल रही है और आजकल ना ये कम से कम एक डेढ़ महीना ऐसे ही हवा चलेगी लो जी कपड़े सूख चुके हैं हमारे उतारते हैं इनको टाइम हो गया भई पौने चार तो मास्टर जी का आने का ना टाइम हो गया तो मैंने सोचा चलो जब तक मास्टर जी पहुंचते हैं और हम चाय बना देते हैं और जब तक मास्टर जी पहुंचेंगे ना हमारी चाय कंप्लीट हो जाएगी भई तो ईशांत को पूछ रही थी कि दूध पिएगा तो बना देती हूँ नहीं तो फिर ईशांत को पूछ के ही बनाना पड़ता है क्योंकि अगर मैं बना देती हूँ फिर ये पीता नहीं तो फिर वो रखा रहता है तो वो अच्छी बात नहीं तो मैंने उसको पूछ लिया तो उसने बोल दिया हाँ तो फिर मैं इसमें ना दूध ही रखने वाली थी तो मैंने सोचा इसमें दूध थोड़ा है तो इसी पतीले में ना दूध रख देंगे भाई गर्म होने के लिए ईशांत के लिए तो मलाई सुबह उतारी नहीं थी तो अभी उतारने लगी हूँ तो इसमें से फालतू का दूध निकाल देंगे और इसी पतीले में रख देंगे और एक साइड रख देंगे चाय बनने के लिए तो मैं ये बात बोल रही हूँ कि आप पहले तो सब कर देते हैं सब्सक्राइब तो मैं ये कह रही हूँ अगर आप लोगों को अन करना होता है प्लीज़ सब्सक्राइब मत कीजिए मुझे कोई बुरा नहीं लगता अगर मैं आपको कर देती हूँ तो कोई ये नहीं है ज़रूरी कि आप भी करो अगर मैंने आपको सब्सक्राइब कर दिया है और आप भी करो ये ज़रूरी नहीं है तो बस इतना सा ही कहना था आइए आप चैनल पर और वीडियो देख के चले जाइए कोई बात नहीं सब्सक्राइब करना ज़रूरी नहीं है अगर अन करना है तो तो भाई एक साइड मैंने ये रख दिया है दूध और एक साइड रख दिया है चाय तो मैं देख रही थी वो अदरक पीसने के लिए तो मुझे मिला नहीं तो मैंने निकाल लिया एक गिलास और बेलना तो गिलास में अदरक डाल के तो फिर उसको कोटने लगी थी मैं तो सिम्पल साई अगर नहीं मिला तो ऐसे भी काम चल सकता है तो मैं बस पहले इसमें अदरक डाल लूँगी और पानी में ना उबाला आ चुका है पहले पानी में उबाला ना फिर मतलब जैसे अदरक डाल दिया फिर उबाल आ गया तो चाय बहुत अच्छी बनती है ऐसे पर मेरे साथ आज पता क्या हुआ ये अदरक ना मैंने जैसे सुबह सब्जी के लिए काटा था ना तो ये फालतू था और प्याज के साथ रखा था तो चाय में ना वो प्याज से की होगी तो चाय थोड़ी अच्छी नहीं बनी तो मैं सोच रही थी कहाँ से क्या गड़बड़ हुई है इसमें चाय का जो बर्तन है मैंने कोई ही प्याज वगैरह तो नहीं डाल दिया उसकी अलग सी स्मेल आती है तो मेरे को काफ़ी देर तक समझ में नहीं आया कि हुआ क्या चक्कर ये तो फिर मैंने सोचा ध्यान से सोचा फिर मुझे याद आया कि ये अदरक ना प्याज के साथ रखी थी और फिर उसका भी उसकी वजह से चाय का टेस्ट ख़राब हो गया था तो ऐसे हो जाता है कई बार मम्मा मेरे का डॉक्टर मुझे क्या अब तक तब तो तू संभालता नहीं है ना जहाँ देखता है वहीं घेर देता है पता। क्या मुझे क्या पता चल अब पहले सारे ड्रामे छोड़ो और ये दूध पी ले पकड़ो तो पी ले बेटा फिर ऐसे नहीं हाँ। पी ले ये रखा है मेरे को नहीं पता पी ले क्या करेगा कर ले फिर बैठ के आराम से दूसरे रूम में जा